मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है आपको मोदी सरकार ने कितने बदलाव ला के दिखाए? सिर्फ यही बदलाव लाया कि अपना आप देश से बाहर घूमना है और पब्लिक को तंग करना है और कोई काम नहीं करना, हर चीज में किसी चीज पर कोई राहत नहीं है, कुछ राहत नहीं है कि एक पॉइंट पे जैसे सिंगल पर्सन भी राहत नहीं है, सिर्फ बोलना आता है सब कुछ और कोई काम नहीं आता। आज देश के अंदर ये हालत हो रही है कि हर आदमी डरा हुआ है कि कभी किसी टाइम भी अगर मैं किसी सरकार के खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन उठा दूं तो शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जीएसटी को लेके, कभी नोटबंदी, कहीं पे कैश? मैडम मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ, डिक्टेटरशिप आप सब सुनते हो ना, वो चीज हो रही है, उसके आगे मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, कुछ नहीं बोल सकता। सुझाव क्या देना चाहेंगे आप मोदी सरकार को? सुझाव दे सकते हैं बोलो, जो सुझाव दिया था 3 साल पहले दिया था, उन्होंने खुद कहा था कि जीएसटी मैं किसी भी धारा में किसी भी प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगा। आज वही आधार कार्ड को कह रहे थे कि ये फेल है, कांग्रेस ने ये गलत काम करा, आज उसी चीज को लागू कर रहे हैं वो लोग। ऐसी कोई जगह नहीं बची, बताइए ना, आज रोटी गरीब आदमी है जिसके पेट में जो तनख्वाह पे हमारी दुकानों पे है उसकी हम कितनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं 500 हजार, जब महंगाई बढ़ती है 5 हजार रुपए तो कहाँ से वो चोरी डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ? कहीं ना कहीं क्राइम का भी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है इसी चीज का। आज इसके पेट में रोटी, किसी के वर्कर के पेट में भरपेट रोटी जाएगी तो क्या करेगा? नहीं भाई साहब मैं तो काम करूंगा, जब वो देखेगा कि सेठ के गले में 5 हजार रुपए 10 हजार रुपए आ गए, वो सिर्फ की टेढ़ी नजर यही रहती है कि किसी तरह वो रुपया मेरी जेब में आ जाए, जबकि ये नहीं पता कि सेठ ने भी कर्जा लेके अपनी दुकान चला रहा है, सब चीज अपनी दुकानें चला रहा है, सब बाजार से पैसा उठाता है, ब्याज को उठाता है, लोन को उठाता है। आज गरीब आदमी जो भी है, अब किसान को देख लो, वो थोड़े से 10-20-50 हजार रुपए लोन लेता है तो उसके घर पे वो पहुंच जाते सारे, सब लोग पहुंच जाते, लाओ जी लोन दो, लाओ जी लोन टाइप के, और जो बड़े बड़े होते हैं उनसे साथ में पार्टी खड़े मौज ले रहे हैं, हाँ जी पार्टी इसको जो पूरे कैबिनेट को बुला लिया वो आ रहे हैं, सच सच के जा रहे हैं, हाँ जी हाथ मिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब बताओ ना ये चीज का क्यों जेनविन है ये चीज? तो मोदी सरकार आज दुनिया को तो कहते हैं कि अपनी शादी के बच्चों के आप वैसे कर लो और खुद वैसे 100-100 करोड़ रुपए खर्च करके शादियां कर रहे हैं। व्यापार पे क्या सबसे बड़ी स्थिति बनी हुई है? व्यापार जीरो हो जाएगा, सब चीज जीरो हो जाएगा, वैसे जीरो हुआ हुआ है। आप ये सोचो, आपने खुद देखा है जीडीपी आज 6% रह गई, सुनाइए आपने भी 8 की 6 रह गई है, आप 8 को 6 मत मानो, 25% मानो, 25% अगर किसी दुकान पे मंदा आ जाए, घाटा लग जाए तो आप दुकान बंद हो जाएगी, खुली रहेगी? बताओ खुली रहेगी बंद रहेगी? बंद करनी पड़ेगी। आप इसी से देश बंद हो गया नहीं हो गया 25%? जब लोग भूखे रहेंगे तो देश बंद रहेगी। आज हमारे पास हिंदुस्तान में 80% आदमी ऐसा है जो रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, ना उसको काम नहीं मिलेगा, मेरी दुकान पे काम नहीं होगा, मैं कहूँगा तू भी चल भाई, तू भी चल, मैं नहीं देता काम। तो मोदी सरकार ने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं लाके दिखाया इन 3 सालों में? नहीं जी, लोकल पब्लिक के लिए तो कोई बदलाव नहीं, अपने लिए बदलाव करा तो वो ठीक है, उसके लिए तो मानते हैं कि बदलाव करा है बस। आज देखो ना, आज वो कहते थे पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, नवाज शरीफ ने एक ही मिनट में कहा जी हेलो आप कहाँ हो, मैं रस्ते में हूँ, आ जाओ मेरी यहाँ पार्टी है, फौज का प्लेन लेके, बाप का प्लेन है वो, हिंदुस्तान का पैसा लग रहा है, छोटी छोटी पार्टी को तो यहाँ से सीबीआई रेड पड़वा देता है। आज दिल्ली सरकार कर थोड़ा बहुत काम भी करना चाहती है उसके यहाँ रेड पड़वा देता, तुम ये नहीं कर सकते, सेराला नहीं कर सकते, अरे उसको चांस तो दो करने का, 5 साल जनता ने सुना काम तो करने का चांस दो बस। अगर हम आम जनता की राय जाने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुन सकते हैं कि लोगों के क्या विचार बने हुए हैं जीएसटी के आने से, मार्केट के अंदर कैसे आकार मचा हुआ है। तो अंकल जी आप मुझे ये बताइए, आप सुझाव क्या देना चाहेंगे मोदी सरकार को? हम तो एक ही सुझाव देना चाहेंगे, देश हित में हर काम करें। आप पहले कहते थे हम काम जनता से पूछ के करेंगे, जनता के भले के लिए करेंगे, आपका कोई हमारी एसोसिएशन का किसी भी डेलीगेशन आपके पास सरकार के पास जाता है उसकी बात मानी जाए कि भाई ये बात, वो कहता है अगर हम लोग जाते हैं कोई भी एसोसिएशन जाती है तो कहती है भाई सर ये बात गलत है, तो उसको समझो कि वास्तव में ये क्या कह रहे हैं, गलत है तो समझो उसको गलत कहाँ है, ये नहीं कि चक्कू चला दिया जी नहीं ये सही है जी हमने जो कर दिया फाइनल है, इसलिए उनको सरकार को यही कहते हैं ऑप्शन देते हैं कि गरीब को सोचो, जो चीज़ है आप जीएसटी लगा कर 15-20% का तेजी लाना चाहते हो तो गरीब आदमी कहाँ से दिए, उसमें हम भी आ जाते हैं, हर कोई आता है, जो सुबह घर के घर से दुकान पे या कहीं भी काम करने के लिए था वो सब गरीब है, अमीर वही है जो आपको सुबह भी दारू पी के पड़ा रहता है, रात को भी पड़ा रहता है, सारे दिन उसको काम जब करने की जरूरत नहीं है, वो अमीर आदमी वो है। मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नारा ही नारा है जी।
सिर्फ नारा ही नारा है, विकास तो आज तक किसी हमने तो 3 साल में देखा नहीं, आगे हो जाए तो भैया तो पड़वाला वाली क्या विकास करके लोग बाहर चले जाते हैं, विकास करके बाहर। तो योजनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? योजनाओं के बारे में जी हमको हम कुछ नहीं कह सकते, कोई धारा कुछ नहीं कह सकते। अब आपसे बंदी करना चाहते हैं, जो बोल दिया कभी ये ना हो जाए कि कल को CBI की रेट हमारे पास।